आज हम लोग आज तक के हेलीकॉप्टर शॉट में सबसे पहले पहुंचे गाजीपुर, फिर पहुंचे बलिया। जरा यहाँ की सौंधी मिट्टी की खुशबू और सियासत का घाल मेल तो सुनिए, वो देखिए ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। प्रयागराज के बाद हम पहुंच गए हैं अब गाजीपुर। गाजीपुर को पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट कहा जाता है। जोशो जुनून यहाँ पर भी जबरदस्त है, लेकिन देखिए नीम अफीम की खेती के लिए जाने जाने वाले गाजीपुर में लंबे वक्त तक, कई दशकों तक अंसारी परिवार का दबदबा चला है। बाहुबली मुख्तार और अफजाल अंसारी का दबदबा यहाँ पर लंबे वक्त तक चला। अब मुख्तार अंसारी की जेल में मौत के बाद वही अफजाल अंसारी जो पिछली बार पीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरकर जीत हासिल की थी, वो इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को भी समझिए। बीजेपी, मनोज सिन्हा तीन ही बार जीते, लेकिन जीती बीजेपी, लेकिन मनोज सिन्हा यहाँ से जीते। पिछली बार जब अफजाल अंसारी बीएसपी के टिकट पर उतरा था तब हार गई थी बीजेपी, हार गए थे मनोज सिन्हा। चुनाव को लेकर क्या सोच रहे? चुनाव को लेकर अत्यंत सुंदर आया, बहुत सुंदर चुनाव हो रहा है। सुंदर चुनाव हो रहा है? सुंदर चुनाव क्या होता है? सुंदरता की, क्योंकि इसमें जीतने वाली चुनाव है। ये किसके जीतने? भाजपा का। क्यों? इस नाते यहाँ पे विकास भी हुआ है। मैडम, इस बार गरीबों का मसीहा फिर पुनः चुनाव जीतने जा रहा है। लोग अफजाल अंसारी, इस बार गाजीपुर जिले का चुनाव होने जा रहा है कट्टा बनाम कलम का। इस बार सपा ने असल माफिया को टिकट दिया है और भाजपा ने नकल माफिया को टिकट दिया। इसके बीच में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर उमेश सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे करके, ने कोई नहीं, 2.5 लाख बहुजन समाज पार्टी का वोट है। आपका मुद्दा क्या है चुनाव? मुद्दा मैं महंगाई, बेरोजगारी और मैडम बहुत परेशानी है। महंगाई तो सबसे ज्यादा है, सिलेंडर बहुत महंगा है। बेरोजगारी नहीं है, अच्छे छात्रों के लिए आज भी नौकरी है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तो गाजीपुर से अब बारी है बलिया पहुंचने की। जैसा हमने कहा वो जेपी की भी जन्मभूमि है, तो वो जन्मभूमि कर्मभूमि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी है। छोटे लोहिया के तौर पर जाने वाले जनेश्वर मिश्रा की भी धरती है। वहां पर जनता इस बार चुनाव को लेकर क्या कह रही है, आइए रवाना होते हैं गाजीपुर से बलिया। संपूर्ण क्रांति का नारा है भावी इतिहास हमारा है। एक वक्त पर देश में सबसे बड़े आंदोलन को खड़े करने वाले ये जेपी की धरती है, ये जेपी की जन्मभूमि है। जयप्रकाश नारायण ने इस देश में राजनीति को एक नया रंग दिया था। ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी जन्मभूमि है। हो की गली गली हाँ बाहुबली घूम ले, लेके एक नालिया तू नाली घूम ले, कि यहाँ बच्चा बच्चा बाबू होला दिया, कि सब जिला खाली जिला हमार जिला बलिया बागी हा। हम लोग बागी बलिया की धरती पर से नीरज शेखर को माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है 400 पार, और हम लोगों का नारा है बलिया से पूरे पूर्वांचल में मोदी जी के बाद अगर सबसे अधिक वोटों से कोई जीतेगा तो हम लोगों के नेता स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के। जी, नीरज शेखर जी कभी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ते हैं, अब बीजेपी में आ गए हैं, क्या मतलब है? लोगों को जहां सम्मान नहीं मिलता है वहां पे अपने पैरों से वहां पे लात मारने का काम करते हैं। नीरज जी ने अपने पिता के विचारों को तिलांजलि दे दी। देखिए बीजेपी को सबक सीखना चाहिए कि इतना करने के बाद भी हमारा समाज मलाह बिंद कश्यप केवट निषाद माझी मझवार तुरा तुरैया धीवर धीमर बतवा बतम तियर चाई मुड़ियारी धो धोने के बाद रुखो घाट बोरिया, ये पूरा समाज बीजेपी के साथ है। छूटा तो नहीं? छूटा नहीं है। यहाँ विकास के नाम पे जीरो है। जीरो लोग योगी मोदी को देख रहे हैं, योगी जी का सुशासन देख लिए, डर से कुंडा घर में ढुक गए हैं। बलिया में हम पहुंच गए हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन। यहाँ पर एक रियलिटी चेक करते हैं कि लोग चुनावों को लेकर जो मुद्दे यहाँ बलिया के हैं उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। आप बताइए आपको क्या लगता है? जी हमको लगता है ये है कि किसी भी तरह से बीजेपी तो आएगी। हम लोग व्यापार बेधड़क निश्चिंत से कर रहे हैं। सुरक्षित लग रहा है? सुरक्षित लग रहा है। चुनाव में क्या मुद्दा है बोलिए। चुनाव जब आता है तो मुद्दा चालू हो जाता है, चुनाव खत्म होता है मुद्दा खत्म। क्या सोच रहे? मैम अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अब यहाँ से हम सीधा रवाना हो रहे हैं आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़ इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 5 सीटें यादव मुलायम सिंह यादव के परिवार में लड़ रहे हैं, जिसमें बदायूं है, कन्नौज है, मैनपुरी, उनमें से एक आजमगढ़ भी है। आइए सीधे चलते हैं यहाँ से अब आजमगढ़ पर। We'll be right back.
योगी जी की चाय की दुकान में हम लोग आए हैं आजमगढ़ में। भरी गर्मी में चाय के प्याले पर यहाँ चुनावी चर्चा भी चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? आप क्या सोच रहे हैं भाई? वोटिंग करना ही, वोटिंग करना। नगरी का गाना वाना बजा तो राम तो हम ही राम के सेवक हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को? जिसका लहर रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। यहाँ से धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। देखिए मैम, यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार जो चुनाव निरहुआ जी जीत गए थे वो एक्सीडेंटल सांसद बन गए थे यहाँ। क्या लगता है चुनाव भारतीय जनता पार्टी का ही है? हमारा तो यही रोजगार और महंगाई। जो तुझे पसंद हो वो बात कहेंगे, अब दिल को कहो रात तो रात कहेंगे। मंदिर और मस्जिदों से मानव का जीवन नहीं चलता है। चलिए, आजमगढ़ में हमने आम लोगों से बात की है चाय की दुकान पर। बहुत धन्यवाद आपका त्रिलोकी जी। अच्छा है, बने बनाए यहाँ पर लोग मिल गए जिन्होंने अपनी अपनी बात कही है।